तो अभी फिलहाल हमारे यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के पास क्राउन तो है, लेकिन बहुत से लोग एक्साइटेड इसलिए कि भैया उस क्राउन का होने क्या वाला है, क्या वो जो क्राउन है रोमन रेंस के साथ परमानेंट रहने वाला है या फिर वो जस्ट टेम्परेरी। तो ये जो बातें WWE ने कर दी कंफर्म, क्योंकि आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए WWE ने रोमन रेंस को लेकर कुछ बड़ी चीजें अनाउंस कर दी है। साथ ही में सर्वाइवर सीरीज को लेकर WWE ने आज के रॉ के बाद दो बड़े मैचेस कर दिए ऑफिशियल। करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नाकामुरा का भी एक बहुत ही बेकार स्टैट्स आया सामने और मंडे नाइट रॉ की टिकट सेलिंग को लेकर भी बहुत ही ज्यादा बेकार न्यूज आई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज 2021 के बारे में। अब हम लोग बढ़ रहे हैं WWE की ब्रांड सुप्रीमेसी वाले PPV की तरफ, हम लोग बढ़ रहे हैं सर्वाइवर सीरीज की तरफ। ऑलरेडी शो के लिए काफी सारे चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैचेस ऑफिशियल कर रखे हैं WWE ने, लेकिन आज मंडे नाइट रॉ के बाद भी WWE दो और मैचेस हमें ऑफिशियल करती हुई नजर आती है। WWE ने बात पूरे तरीके से कंफर्म कर दी, हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंस्के नाकामुरा फेस करने वाले करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट का, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कमाल का मैच होने वाला है। देखो जो नाकामुरा की टाइटल रेन है वो कितनी बेकार है वो आपको आने वाले अपडेट के अंदर पता लगेगा, जहां पर हम लोग उसके स्टैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से फाइनली ये जो मैच एक बेहतरीन मैच होने वाला है और आई गेस डेमियन प्रीस्ट की जीत होने वाली, लेकिन लेट्स सी कौन सा मैच होता है, आई मीन कितना कमाल का मैच होता है और कौन ले जाता है ब्रांड सुप्रीमेसी इस कमाल के मिड कार्ड चैंपियनशिप मैच में। बाय द वे एक और जो चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच ऑफिशियल हुआ है वो इस बार टैग टीम का, क्योंकि हमारे उसोस का हमारा सामना होने वाला है आरके ब्रो के साथ में। और यार ये जो मैच होने वाला है मेरे हिसाब से कमाल का मैच होगा, आरके ब्रो और उसोस मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम है अभी फिलहाल WWE के अंदर, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जब इन दोनों का हमारा सामना होगा। देखते हैं क्या जो उसोस है ब्लड लाइन के साथ में ब्रांड सुप्रीमेसी स्मैकडाउन में ले जा पाते हैं या फिर नहीं। जो नेक्स्ट अपडेट है WWE के मंडे नाइट रॉ की टिकट सेलिंग के बारे में जुड़ी है, और रॉ की टिकट सेलिंग को लेकर काफी ज्यादा बेकार न्यूज आ चुकी है सामने, क्योंकि रॉ हार रहा है वो एक बुरे तरीके से AEW डायनामाइट से। अब काफी लोग जानते होंगे कि जो UBS अरीना होने वाला है वहां पर WWE मंडे नाइट रॉ का शो करने वाली है, और वो 29 नवंबर को होगा। शो के लिए रोमन रेंस की अपीयरेंस भी कंफर्म हो चुकी है और सर्वाइवर सीरीज के बाद होने वाला मंडे नाइट रॉ का शो, और जो रोमन रेंस है यहां पर आएंगे उसे टिकट सेलिंग के अंदर बूस्ट तो आए, लेकिन रिसेंटली एकदम अपडेटेड जो स्टैट्स है वो आ चुके हैं सामने, जो स्टिल लेकिन AEW बुरे तरीके से हरा रहा है रॉ को। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो, ऊपर लिखा UBS अरीना बेलमोंट पार्क और नीचे लिखा मंडे नाइट रॉ का शो, जो कि 29 नवंबर को यानी सर्वाइवर सीरीज के बाद होगा, और इस रॉ का एपिसोड को होने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। लेकिन स्टिल जो WWE वो अपना 64% जो अरीना सोल्ड आउट कर पाई है, क्योंकि यहां पर 7462 टिकट्स में से WWE 4764 टिकट ही सोल्ड आउट कर पाई है। अभी फिलहाल 2700 के आसपास यानी कि 2700 के आसपास जो टिकट्स है वो अवेलेबल है मंडे नाइट रॉ की। लेकिन अगर मैं बात करूं AEW डायनामाइट के बारे में, जस्ट एक हफ्ते बाद जो AEW वो अपना शो इस जगह पर करने वाला है, और वो वहां पर जो आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, ऑलमोस्ट डबल है मंडे नाइट रॉ से, क्योंकि जो टिकट सोल्ड आउट कर चुका है AEW डायनामाइट वो 8368 है, और जो टोटल टिकट्स यहां पर उन्होंने अवेलेबल किए हैं वो 10500 के आसपास की हैं। अब जो अवेलेबल टिकट्स बाकी रह गई हैं 7 दिसंबर वाले AEW डायनामाइट के शो के लिए वो जरूर 2000 या फिर 2100 कह सकते हो उसके आसपास की है। लेकिन भाई टिकट के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क देख रहे हो, कहां पर AEW 8000 टिकट सोल्ड आउट कर पा रहा है और कहां पर जो मंडे नाइट रॉ का शो है अभी तक वो सिर्फ 4700 जो टिकट से सोल्ड आउट कर पाया गया। जो सर्वाइवर सीरीज का बिल्डअप होने वाला है और उसके बाद का जो फॉल आउट होगा वो हेल्प कर सकता है इस मंडे नाइट रॉ के शो की। और हाँ, अगर रोमन रेंस का यहां पर मैच अनाउंस होता है ऑफिशियल वे में, अब प्रमोशन के थ्रू तो WWE बता रही, लेकिन अगर ऑफिशियल वे में अनाउंस होता है तो आई गेस और ज्यादा हेल्प होने वाले, और ट्राइबल चीफ के कारण ये जो 2000 टिकट्स हैं उसके अंदर इंक्रीज आया, और आई गेस आने वाले टाइम में जो धीरे धीरे करके वेन्यू वो सोल्ड आउट तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल अगर मैं कंपेयर करूं तो AEW बुरे तरीके से हरा रहा है मंडे नाइट रॉ को। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंस्के नाकामुरा के बारे में। हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नाकामुरा जरूर है सर्वाइवर सीरीज के अंदर, जैसे मैंने कहा वो डेमियन प्रीस्ट का फेस करेंगे, लेकिन रिसेंटली कैसे स्टैट्स आए उनका सामने जिसे सुनने के बाद आप लोग कहोगे कि भैया भाई WWE ने कचरा बुकिंग कर रखी है नाकामुरा की, क्योंकि जो रिसेंटली स्टैट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग नाकामुरा को टाइटल होल्ड किए हुए 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं, और इन 90 दिनों के अंदर एक टेलीविजन के ऊपर नाकामुरा ने सिर्फ एक बार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। अब लाइव इवेंट्स को यहां पर काउंट नहीं करते, ऑलमोस्ट हर लाइव इवेंट के अंदर नाकामुरा अपनी टाइटल डिफेंड करते हैं या फिर उनका टैग टीम मैच होता है। लेकिन अगर मैं ऑन टेलीविजन की बात करूं, मैं रॉ स्मैकडाउन या फिर कोई PPV की बात करूं, वहां पर सिर्फ नाकामुरा ने अभी तक अपनी एक बार टाइटल को डिफेंड की है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से वाहिया चीज है। अब देखो हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं नाकामुरा की बुकिंग को, नाकामुरा की बुकिंग बेकार हो रही है, WWE को लगा उनको चैंपियनशिप
थमा देते हैं, फैंस शांत हो जाएंगे। अब आपने टाइटल थमा तो दिए, लेकिन भैया टाइटल का कुछ यूज तो कर लो, टाइटल को डिफेंड करवा लो हर स्मैकडाउन के शो में, नहीं तो एटलीस्ट पीपीवी में। हमने देखा नाकामुरा को तो पीपीवी में भी यहाँ पर मौका नहीं मिल रहा एक मैच के अंदर कम्पीट करने का। अब नाकामुरा किस लेवल के परफॉर्मर है हम लोग ये बात जानते हैं, जिन लोगों ने NJPW देखा होगा, जिन लोगों ने नाकामुरा के WWE के बाहर के या फिर उनके अर्ली स्टेजेस के WWE के मैचेस देखे होंगे, जब वो मेन टाइटल पिक्चर में थे, उनका एजी स्टार्स के साथ फ्यूड हो रहा था, आपको याद होगा इनका काफी कमाल के सीरीज ऑफ मैचेस हुए थे, तो वो जो चीजें बताती है नाकामुरा कितने कमाल के परफॉर्मर हैं। लेकिन ना ये चीज देखे मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ कि WWE इतनी ज्यादा बेकार बुकिंग कर रही है नाकामुरा की। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है, और क्या ये जो क्राउन है रोमन रेंस के साथ परमानेंट रहने वाला है। रिसेंटली बातें कंफर्म हो चुकी है और आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए WWE ने रोमन रेंस को लेकर एक बड़ी चीज अनाउंस कर दी है। होता है कि रिसेंटली WWE हमें एक प्रमोशनल वीडियो जारी करती हुई नजर आती है आने वाले स्मैकडाउन के शो की, और बताती किस तरीके से रोमन रेंस ने एक्सेवियर वुड के ऊपर हमला किया, और उसके बाद जो रोमन रेंस है उन्होंने क्राउन को परमानेंट वे में क्लेम कर लिया, यानी कि जो ट्राइबल चीफ है जब उन्होंने क्राउन को क्लेम कर लिया है तो अब वो कौन है माइकल हाल जो कि रोकने वाला है रोमन रेंस को और पूरी की पूरी ब्लड लाइन को स्मैकडाउन के शो के अंदर। अब WWE ने यहाँ पर यह बात कोई भी मेंशन नहीं की कि जो रोमन रेंस है या फिर जो एक्सेवियर वुड है किस तरीके से रोमन से क्राउन वापस लेंगे। WWE ने यहाँ पर सिर्फ एक बात बताई, वो ये कि जो रोमन रेंस का क्राउन है वो उन्होंने क्लेम कर लिया है, तो कौन रोकने वाला रोमन रेंस को। तो मे बी ये जो क्राउन वाली चीज है लग ऐसा है कि रोमन रेंस के साथ परमानेंट भी रह सकती है, ये भी जो चीज है उनके गिमिक के अंदर ऐड होने वाले। लेट्स सी क्या होता आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में। लेकिन एडवर्टीजमेंट से ऐसे लग रहा है कि जो रोमन रेंस का क्राउन है, आई मीन जो एक्सेवियर वुड का क्राउन था, अब वो रोमन का क्राउन बन चुका है और वो उनकी गिमिक का ही बन चुका है। हिस्सा आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। जिन लोगों को वीडियो पसंद आई जल्दी से लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसे और भी कमाल किन फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।